अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। आपको पता है उर्मी दीदी के ससुराल वाले जब आएंगे ना वो बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये रंगोली उनके स्वागत आने हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, पर तुम अब अंदर जाओ, बीसियों काम पड़े। ठीक है बाबूजी। और क्या काम बाकी है दीदी, यहाँ का काम तो सब हो गया। रसोई में हलवा और खीर देख लो जरा। ओहो, बाहर कितना काम पड़ा है, मोड़े हाथ नहीं चला रहे। हमको दीजिए। ये लो, ये भी लो। ये क्या हो गया साड़ू भाई को, दीवार पर छिपकली की तरह क्यों चिपके? साली दिग्रे ने सजा तो नहीं दे दी आपको? अरे कहा जिया जी, ये तो इतने सीधे साधे हैं, कोई काम ही नहीं गलत करे जो सजा मिले इन्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, हमने जैसा वर मांगा था आपने बिल्कुल वैसा ही दिया। घर परिवार भी बहुत अच्छा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। बस एक इच्छा और है, एक आखिरी इच्छा। हम जानते हैं आप सोच रहे होंगे कैसी लड़की है, इसकी इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती। पर प्रॉमिस, ये लास्ट है, इसके बाद हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। क्या दीदी, कितना पकाती हो तुम भगवान जी को, तुम्हारी मांगने की लिस्ट कभी खत्म होगी? एक घंटा हो गया है, अब तो चले घर। गजब हालत है तुम्हारी अनुष्का, हम भगवान को ठीक तरीके से थैंक यू भी ना बोले। हाँ हाँ, बहुत थैंक यू बोल रहे हो आप तो। थैंक यू बोलने के साथ साथ एक और मांग जोड़ लेते हो। पेड़ को देखिए, आपके नाम के यू से ही भरा पड़ा है। आधी जिंदगी इसे बांधने में निकल गई, अब आधी ना इसे खोलने में बीत जाएगी। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी भगवान को कुछ देने का कोई लिमिट थोड़ी ना है। क्या हुआ भैया? लगता है ऑटो खराब हो गया है। आप एक काम कीजिए मैम साहब, दूसरा ऑटो ले लीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ऑटो भैया, नारायणी नगर चलना है। चलिए। कितना लोगे? 100 रुपया। 100 रुपए? भैया 80 रुपए होते हैं स्टेशन से, और यहाँ तक के मैंने 20 रुपए दे दिए, 60 रुपए में चलोगे? आजकल महंगाई देखिए कहाँ जा रही है, 100 से कम नहीं पड़ेगा मैडम, मर्जी आपकी है। 60 रुपए में छोड़ दे मैडम। अरे ले जा भाई ले जा, जो प्यार से दे मैडम वो रख लेना। अरे हम तो फ्री में पूरा शहर घुमा दे, ये एक का इनकी हो तो। सोच कर है दाऊ। क्या बोला, वापस बोल बदतमीज, मुझे मजबूर मत करो कि मैं पुलिस को बुलाऊं। अच्छा बुला लीजिए पुलिस, क्या हो जाएगा उससे? ऐसे डंडे पड़ेंगे ना कि याद रखोगे। एक मिनट भाई साहब, क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो रहा है यार, ट्रैफिक जाम कर रखा, तमाशा हो रहा है यहाँ पे, क्या बात क्या है? ये लोग कब से मुझे छेड़े जा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। यू आर अट्रैक्टिंग ट्रबल। ये इस तरह के कपड़े पहन के आप रोड पे निकलेंगी, लड़के बदतमीजी करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपकी। What? जी चलिए। मुझे लगा था आप इन सबसे अलग होंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि आप भी इसी भीड़ का एक हिस्सा है। सिर्फ पहनावे में थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन सोच इन्हीं लोगों की तरह घटिया है आपकी। मुझे लगा था आप मुझे सपोर्ट करेंगे। क्या है भाई साहब, ठीक से नहीं चल सकते हो? ठीक से चला करो। त्रिशा दीदी, त्रिशा, बदमाश का नाम लिया और बदमाश हाजिर। बिटिया क्या बात है, किसी से लड़के आई है के? क्या बताऊं पापा, बीच रास्ते में मेरा ऑटो खराब हो गया, दूसरा ऑटो लेने जा रही थी, पीछे से 3 लड़के बाइक पे आए और इतनी गंदी लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहे थे, मैं क्या बताऊं, और यहाँ के लोग भी कैसे। और फिर उस पूरी भीड़ में एक ढंग का लड़का, दिखने में मुझे लगा पढ़ा लिखा होगा, मेरी साइड लेगा, लेकिन नहीं, मुझे ही डांट रहा है कि मैं तमाशा क्रिएट कर रही हूँ बीच रास्ते में। कैसी औरतें होंगी इसके घर की जो इसे झेलती होंगी, कि इसकी बीवी से कैसे बर्दाश्त करती होगी? ऐसे आदमी के साथ तो कोई भी औरत रहेगी उसका जीवन नरक ही बन जाएगा।